रद्द करके सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है लगातार। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से बाई इलेक्शन हारी है, पंचायत चुनाव हारी है, नगर निगम चुनाव आ रही है, और एक राजस्थान में एक माहौल क्रिएट हो गया कि विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल हो गई। उसके बाद बीजेपी के नेता कोई भी मुद्दा आता है तो वो मुद्दा जिस पर सरकार जांच शुरू करती है, मुख्यमंत्री जांच का आदेश देते हैं, एसओजी को जांच का आदेश देते हैं, सरकार कार्रवाई करके बर्खास्त करती है, सरकार लोगों को गिरफ्तार करती है, सरकार सख्त होती है और सरकार बिल लेकर आने की तैयारी करती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। सब काम सरकार ने ही किया, ये तो बीजेपी ने नहीं किया। एक ये जब से नेता लोग दिल्ली गए तो दिल्ली में बैठ के षड्यंत्र किया गया है, और ये षड्यंत्र ये किया गया है कि दिल्ली के नेताओं से प्रदेश के बीजेपी के नेता मिलकर एक प्लान किया इन्होंने कि वैसे तो हम कांग्रेस को कमजोर नहीं कर सकते, हमारा काम अच्छा है, हमारी नीति नियत अच्छी है, कोरोना मैनेजमेंट में हम पूरे देश में नंबर वन पर रहे, जनता हमसे खुश है, बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, पंचायत नगर निगम चुनाव हम जीत रहे हैं, मैंडेट हमारे साथ है, जनता राजस्थान की कांग्रेस को आशीर्वाद दे रही है, और ऊपर से केंद्र सरकार ने जैसे बजट के रूप में पत्थर मारा, सर फोड़ दिया जनता का, देश की जनता के सपने चकनाचूर पानी फेर दिया, ऐसा बेकार बजट जिसमें बजट चलते हुए लोगों ने टीवी बंद कर दिया, साफ कर दिया मामला। अब ये बीजेपी वाले समझ गए तो दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र यही चल रहा है कि राजस्थान की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। जब भी ये दिल्ली के बीजेपी राजस्थान के बीजेपी के नेता दिल्ली में जाते हैं तो वहां बैठकर एक षड्यंत्र करते हैं कि एनी हाउ राजस्थान की सरकार को बदनाम करो, जो मुद्दे सरकार कार्रवाई करती है उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर ये पेश करते हैं। तो ये तो दुनिया जानती है कि बीजेपी का झूठ बोलता है, लेकिन बीजेपी का झूठ इतना ज्यादा चल गया कि लोग झूठ से परेशान हो गए, इसीलिए तो ये बजट आया है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों पे आरोप है, काफी सारे लोग गिरफ्तार भी हुए उनमें से, बीजेपी कह रही है। आप मुझे ये बताओ, जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हर गलती कीमत मांगती है और कोई कितना भी बड़ा हो एक भी बचेगा नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है, होम डिपार्टमेंट तो सीएम के पास है, एसओजी जांच किसने कराई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने ही करवाई है ना। आदेश किसको दिए, किसने दिए पुलिस को कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो? मुख्यमंत्री ने, उनके पास होम डिपार्टमेंट है, ये सारा काम उनकी देखरेख में हुआ। ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं बताते, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, कोई मजाक तोड़ना है। तो पुलिस वालों को सख्त आदेश हुआ कि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसीलिए तो बर्खास्त किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को, अध्यक्ष को, तो मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया, कोई मंत्री थोड़ा ना, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री देख रहे हैं होम डिपार्टमेंट को। बिल को लेके विधानसभा सत्र में बिल आएगा, इस पे ऐसी कोई चर्चा? देखिए बिल लाने की बात तो मुख्यमंत्री जी पहले खुद ही कह चुके हैं, रीट को लेकर भविष्य में इस तरह के एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आए, कैसे फुल प्रूफ योजना बने, बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कत नहीं हो, एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हो पाए, इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो बीजेपी के लिए मैं इतना कह सकता हूं, बीजेपी केंद्र सरकार के बजट को लेकर आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता मुझे ये बता दे, प्रदेश के बीजेपी के नेता आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि कल केंद्र सरकार में उनके नेता मोदी जी की सरकार का जो बजट आया है उसकी प्रदेश को राजस्थान को क्या मिला, राजस्थान को क्या फायदा होगा, देश को क्या मिला, देश की जनता को क्या मिला, कर्मचारी व्यापारी मजदूर किसान विद्यार्थी को क्या मिला। जनता को मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया और लोगों ने टीवी बंद कर दिए। अब इन सब मुद्दों से बजट फेल हो गया केंद्र का, अब इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई साहब आपके प्रदर्शन से कार्रवाई थोड़ा वैसे ही कर रहे हैं, कार्रवाई तो सरकार तो खुद ही लगी हुई है, हम तो लठ लेके पीछे पड़े हैं, अपराधी तो परेशान है, तो ये तो लठ लेके तो सरकार ही पीछे पड़ी है, तो तुम हमें क्या बता रहे हो? तो हम तो पड़े अपराधियों के पीछे और बीजेपी पड़ी है हमारे पीछे, आप बताओ क्या करें? एग्जाम रद्द होंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री निवास के अंदर घुसेंगे। अरे घुसते काहे को, वैसे ही टाइम मांग लो यार, टाइम दिला देंगे, मैं दिला दूंगा टाइम मुख्यमंत्री जी से। कल मुझे बताया, मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैं सड़क पे ही घूमता हूँ, सिविल लाइन्स में बैरिकेडिंग लगे हुए थे, तो मुझे बता दे मैं आ जाऊंगा बीजेपी कार्यालय में किसी से बात करने, तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है भाई साहब। मैंने देखा किसी के लग जाएगी, सतीश जी मेरे मित्र हैं, मैंने देखा वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए थे, पड़ जाए कर जाए लाग जाए दिक्कत को नहीं हो जाए, अच्छो लागे कोई माने चिंता रहे भाई बात की। तो आप बेवजह इतना परेशान हो रही हो, कोई रीट में कोई आपके आपको लगता है कि ये कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए, एसओजी वालों से मिल लो, उनसे नहीं मिलना, मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग लो, वहां नहीं है मेरे को दे दो कोई लिख के, मैं मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। मैंने आज खुद ने आपके चैनल पे, इनके चैनल पे बात हो रही थी सुबह
डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से मैंने बात किया जी, अटिंदे को महाराज सुशांत जी, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से बात हो रही थी मेरी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कोई धागा मुद्दा हो तो मन बता दो, क्योंकि जब मैं निक्कर पहनता था तो डॉक्टर साहब नेता थे राजस्थान के बड़े, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। तो डॉक्टर साहब जैसा आदमी जो हम तो उनको देखते थे, ये सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन करते थे, सिविल लाइन फाटक पर, मैं मैसूर स्कूल में पढ़ने जाता था, हम तो निक्कर पहन के जा रहे थे, वो यहाँ पे फुल घेराव करें तो पुराने खिलाड़ी हैं। डॉक्टर साहब की दो बड़ी मांगे हैं, सीबीआई जांच और दूसरा परीक्षा रद्द कर दें, क्योंकि एसओजी ने मान लिया। देखो मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि एसओजी के लिए खुद इनके कटारिया जी का बहुत बढ़िया जांच हो रही है, बीजेपी के बहुत नेताओं ने कहा बहुत बढ़िया जांच हो रही है, बहुत बढ़िया जांच हो रही है, और ये जो लोग सारे के सारे हैं, जब ये जांच की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताओ कि जब एसओजी की जांच की तारीफ कर रहे हैं, ये मामला तो एसओजी ने खोला है सारा, तो अब सारा से ही सीबीआई को दे दें, सीबीआई को जो जांचें दी है पहले बताए बीजेपी वाले उनमें क्या किया, मेरे साथ बहस करे। और आज बीजेपी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दिल्ली के नेताओं के साथ मिलकर जो षड्यंत्र कर रहे हो सरकार को बदनाम करने के लिए, झूठे एजेंडे बने यार, अब इसको कांग्रेस की सरकार को गहलोत सरकार को कैसे बदनाम करें, उसके लिए ऐसे तो ये मात खा नहीं रहे, क्यों काम में बढ़िया है, जनता में माउथ मीडिया में ये चल रहा है कि कांग्रेस वापस जीतेगी, माउथ मीडिया में चल रहा है। अब जीत हार तो भगवान के हाथ में मैं भी जानता हूं, सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, लेकिन अभी माउथ मीडिया जानता है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, अभी तो पत्थर कोई मार रहा है तो केंद्र सरकार मार रही है, पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, रोजगार देंगे नहीं, बजट किसी के समझ में आता नहीं केंद्र का, आपके समझ में आया तो मुझे समझा दो आप, और फिर भी समझाना चाहते हैं बीजेपी वाले, एक जगह टाइम फिक्स कर ले, मैं बहस करने को तैयार हूं, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बजट बीजेपी ने, केंद्र की बीजेपी ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे उन वादों का 1% भी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये शायद दूसरा बजट लाए तीसरा केंद्र सरकार वाले, चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, इनके गृह मंत्री जी ने कही, बड़े बड़े वादे किए, उन वादों में से एक भी चीज इसमें नहीं, बीजेपी जो चुनाव से पहले कहती है वो बजट में कभी भी शामिल नहीं करती, ये बीजेपी का मामला बहुत तगड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ षड्यंत्र जो कर रही है बीजेपी राजस्थान में सरकार को बदनाम करने के लिए, बीजेपी के लोग सुन लें, सरकार को बदनाम करने का कितना ही षड्यंत्र कर लें, दिल्ली वालों के साथ बैठ के कितनी प्लानिंग कर लें, राजस्थान की जनता जानती है, चाहे रीट मामला हो, चाहे कोई रेप का मामला हो, जो भी, चाहे कोई हत्या का मामला हो, बीजेपी वालों के साथ दिक्कत क्या है, कोई भी मामला होता है तो उसमें वो सब कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर भी आपके पास कोई सुझाव है तो आप सुझाव दो, वो सुझाव हम आपके मंजूर करेंगे, लागू, विपक्ष को हमारा दुश्मन तोड़ना अच्छी बात होगी, उनकी लागू कर देंगे, तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं, हम भी कहते हैं।